हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं आपको लेके आया हुआ हूं एक और लोकेशन दिखाने जो बांद्रा के फेमस जोगर्स पार्क के अंदर सीन लिए गए थे। दोस्तों, शाहरुख खान सर की फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मैम, आज हम जहां पर खड़े हैं इसी ब्रिज के ऊपर, उसके कुछ सीन लिए गए थे। दोस्तों, उसी फिल्म के अंदर एक गाना है दीवाना मैं तेरा दीवाना, जिसमें उनके साथ जो हीरोइन है वो है सोनाली बेंद्रे जी। तो फिल्म को जब दिखाया गया था, जब सीन दिखाए गए थे, तो ये जो आप एक ब्रिज देख रहे हो, जो यहाँ पर छोटी सी लेक खूबसूरत बनाई गई है और उसके बाजू में ये ब्रिज दिखाया गया है जो इस जगह की बहुत खूबसूरती बढ़ा रहा है, तो वो टाइम पर ये रेड कलर में था और ये जो इसके छोटे छोटे इसके अंदर डिज़ाइन के लिए खूबसूरत पिलर लगाए गए हैं ये वाइट कलर के थे। वहाँ पर हमको एक झोपड़ी भी दिख रही है, वो झोपड़ी भी दिखाई गई थी फिल्म के अंदर, उसका कलर और इस छोटे से ब्रिज का कलर मैच हो रहा था, जो बहुत ही खूबसूरती बढ़ा रहा था इस जगह की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करीब 96 के हिसाब से फिल्म को बनके करीब और करीब 28 साल हो चुके हैं। ये अपन आपको कुछ और चीज़ दिखाएंगे पास में गार्डन के, इधर आएंगे आप यहाँ से इस जगह को और अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर इसको फ्रंट में जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज दिखाया गया था, इसी पर वो ब्लैक कलर की अम्ब्रेला लेके डांस करते हैं, सीन रिकॉर्ड करते हैं अपने, और फिर ये लेक दिखाई जाती है, जो खूबसूरत आप लेक देख रहे हो ना दोस्तों, ये लेक दिखाई जाती है। इसके अंदर भी डक हैं और वो टाइम पर भी, मतलब कि 28 साल पहले भी वहाँ पर डक थी, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि वही डक है, बिकॉज डक की जो लाइफ होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन हम तो अभी इस जगह को आपको 28 साल के बाद बता रहे हैं। यहाँ पर जो बीच में आप वो एक छोटा सी झोपड़ी देख रहे हो, जिसको हम बोल सकते हैं वो डक हाउस बनाया गया है, वो उसके ऊपर रेड कलर की खपरेल लगी हुई थी जो उसकी और खूबसूरती बढ़ा रहा था, और यहाँ पर ये एक ब्रिज था। तो दोस्तों, इस जगह को आपने देखा था फिल्म के अंदर, वो जो सॉन्ग था दीवाने हम तेरे दीवाने, और ये जगह फेमस है जोगर्स पार्क के नाम पर, जो सुबह में 5 बजे ही खुल जाती है और 10 बजे तक चालू रहता है गार्डन, और शाम की अगर बात करेंगे तो शाम में ये कुछ 3:30 को खुल जाता है और रात के 10 बजे तक चालू रहता है। अभी फ़िलहाल 5 बज चुके हैं और 5 बजे सनसेट होने का टाइम है, तो सनसेट होता है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो जाएगा, लेकिन गार्डन 10 बजे तक चालू है, लेकिन हम लोग वीडियो रात को नहीं बना पाएंगे क्योंकि वीडियो में वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो देखो, ये कितना खूबसूरत गार्डन जो आपने फिल्मों के अंदर देखा था 28 साल पहले, आज ये कैसा देख रहा है। तो आप वहाँ पर वाटरफॉल की जगह देख रहे हो, जहाँ पर पत्थर बिछाए गए हैं, वहाँ पर शाहरुख खान सर बैठे रहते हैं और वैसे ही पत्थर लगे हुए थे, बट वहाँ पर पानी गिर रहा था, वाटरफॉल हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, उसको फिलहाल बंद करके रखा गया है। मैं अभी भी 6 महीने पहले आया था, तब भी बंद था, मुझे लगता है वो कुछ लंबे टाइम से बंद है, 1-2 साल से। और वहाँ पे देखिए, वो डक जो के बैठने की जगह बनाई गई है, और ये वाइट वाइट कलर की डक कितनी खूबसूरत लग रही है, ये इसमें पानी में तैरती रहती हैं, और ये बहुत टाइम से है, क्योंकि जब अगर आप इसको स्क्रीनशॉट से मैच करोगे ना, तो देखो बाजू में भी आपको डक देखने के लिए मिल रही हैं। आइए अभी हम आपको और जगह मैच कराते हैं। दोस्तों, हमने एक सीन में कुछ ऐसा देखा था, सोनाली बेंद्रे जब इस साइड से आती है ना, तो ये जो रेलिंग आप लगी हुई देख रहे हो, ये रेलिंग वो टाइम पर भी लगी हुई थी सेम, लेकिन ये जो आपने यहाँ पे डक हाउस देख रहे हो ना जाली वाला, वो टाइम पर यहाँ पर वो जाली वाला घर नहीं था, और ये तो सेम वैसा ही था जैसा आपको दिख रहा है, बस उधर की और वाटरफॉल चल रहा था। तो दोस्तों, ये जगह और ये जो ब्रिज हमने आपको दिखाया, ये आपने 28 साल पहले बनी हुई फिल्म में देखा था, जो जोगर्स पार्क के अंदर है। जोगर्स पार्क मुंबई का एक फेमस पार्क है, गार्डन है, जिसको लोग घूमने भी आते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं, और यहाँ इसके बाजू में ही ओटर्स क्लब है। अगर आप देखेंगे ना, ये जो वॉल दिख रही है ना आपको, एक ये हाउस दिख रहा है, वो वाइट कलर ओटर्स क्लब है, जो मुंबई का एक फेमस क्लब है, और उस क्लब के बाजू में है ये जोगर्स पार्क, और जोगर्स पार्क के सामने है वो बिल्डिंग जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत भाई रहते थे। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, 28 साल बाद हमने आपको ये लोकेशन दिखाई है। Thank you.
क्या बोल रहे हो? वो कितनी बढ़िया वीडियो आती है देखो, इसमें आती है नहीं दोस्तों? दीवाना मैं तेरा दीवाना, जब भी दीवानों की बात याद आती है मुझे तो मुंबई के कोई भी पार्क में मैं चले जाता हूँ ना तो दीवाने ही दीवाने मिलते इधर उधर बैठे रहते हैं। चलो उनकी लाइफ को हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि दीवानों से हमको भी बहुत मोहब्बत है। तो दोस्तों ये जो आपने आर्टिफिशियल लेक देखी, ये देखी थी आपने फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मैम के अंदर, जहाँ पर शाहरुख खान सर एक दिन इसी गार्डन में आए थे 28 साल पहले। वो टाइम क्या था यार, क्या वक्त होगा वो टाइम पर। लेकिन ये गार्डन वो टाइम पर भी इतना ही खूबसूरत था और आज भी ही इतना ही खूबसूरत है, बस थोड़ी पब्लिक बढ़ गई है। यू नो पब्लिक अभी यहाँ पर ज़्यादा आने लगी और वैसे भी तो ऐसा ही होता है, हम नॉर्मली संडे के ही दिन ही आ पाते हैं और संडे के दिन वैसे भी पब्लिक, विजिटिंग पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है, बाकी के दिन हम भी थोड़े बिजी रहते हैं, पब्लिक भी बिजी रहती है, तो इस हिसाब से इत्तफाक हमारा ऐसा ही होता है कि जब भी हम जाते हैं अच्छी खासी पब्लिक हमको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको लोकेशन जहां पर आपने देखा जोगर्स पार्क की वो आर्टिफिशियल लेक जहां पर ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था दीवाना मैं तेरा दीवाना। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपको किसी और एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही कमेंट करते रहें जैसे आप करते हैं। लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ गाइज, लव यू ऑल।